सर कितने और नए कबर्ड्स बनाना पड़ेंगे इसे इसे अवार्ड्स रखने के लिए आपको? मैं सही बताऊं तो मैं अपने अवार्ड्स ऐसे कबर्ड में नहीं रखना चाहता, मैं एक अलग स्पेशल चीज बनाऊंगा, नॉट लाइक अ कबर्ड बट एक ऐसी शेल्फ बनाऊंगा, प्रॉपर कबर्ड नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और ही बनाऊंगा, अभी मेरे पास आइडिया नहीं है मैं क्या बनाऊंगा, बट समथिंग डिफरेंट। दैट इज स्पोकन लाइक अ ट्रू विनर, बट कैरी व्हाट डज दिस अवार्ड मीन टू यू एंड हाउ इज इट गोना मोटिवेट यू टू क्रिएट ग्रेटर एंड न्यू कंटेंट फॉर योर ऑडियंस? ये जो अवार्ड है बेसिकली जो मैं स्ट्रीम्स करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम पे, उससे जितनी चैरिटी हम जनरेट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये अवार्ड मेरा नहीं है, आई थिंक ये लोगों के लिए अवार्ड है, बिकॉज जितने भी लोगों ने मेरी स्ट्रीम के वक्त मेरे को डोनेट किया है ताकि हम एक या तो एक नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई भी अटैक्स हो तो उनके लिए हम पैसे रेज करें जिससे ओवरऑल हमारी जो कंट्री है उसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से अवार्ड मेरा नहीं है, ये सबका है, मेरी पूरी ऑडियंस का है, ये लोगों का अवार्ड है, मेरा नहीं है। तो मैं अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पहले एक बेस बना लो, जैसे कि मैंने अपने चैनल के बारे में तब तक नहीं बताया था जब तक मेरे कुछ 40,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो गए थे, उससे पहले तक मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं क्या करता हूँ, जब 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने मम्मी पापा को बोला कि अच्छा मैं ये सब करता हूँ, और उस टाइम के अराउंड मतलब यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी कुछ मेरी, और वो पापा ने देखा, पापा ने कहा चल कर चल, चल, चलो बेटा अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो, अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया, बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो, हैपेंस। जिंदगी खूबसूरती से निकल गई, दिल बेचारा महसूस करना चाहता था, जिन पलों को मैंने जिया है उन्हें फिर जीना चाहता था। देखो डिप्रेशन और ये चीजें, एंजाइटी मजाक की बात नहीं है, ये फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा कभी ना कभी, जब तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम एक लो पॉइंट पे आओगे, बट आई वुड से जब ये लो पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे, तुम्हारे पास जब जितनी प्रॉब्लम से तुम डील करोगे उतने तुम स्ट्रांग बनोगे और तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तो प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो, उसे बोलो आ जा मैं आता है, तू भी आ, दोनों लड़ेंगे मिलके, और फिर देखो हैप्पी एंडिंग हमेशा होती है, रिमेंबर दिस, इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड।